स्कॉन मंदिर की ओर से बुधवार को काली मंदिर गोलघर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा से पूर्व मंदिर प्रांगण में ही हवन भी किया गया। शोभा यात्रा के माध्यम से स्कॉन के सदस्यों ने सड़क पर भजन कीर्तन करके लोगों का ध्यान आकर्षित किया तथा संदेश दिया कि भक्ति के अलावा संसार में मुक्ति का कोई दूसरा आधार नहीं है, इसलिए अपने भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा वक्त निकालकर भगवान का भजन करें। इस संबंध में योगेश्वर दास ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर भव्य इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें संकीर्तन और भजन का आयोजन लगातार होता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इस्कॉन मंदिर के सदस्य योगेश्वर दास ने बताया, संप्रदाय है श्री संप्रदाय, रामानुजाचार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, नागराचार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, निम्बार्काचार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, स्वामी विष्णु पद्मपुराण का भजन मिलता है। अतः हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। कलयुग तेरे नाम है आधारित रही पारा, ब्रह्म नारद पुराण ने भी कहा है, हरे नाम हरे नाम हरे के दास स्नान इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण भावनामृत संघ के देश विदेश में 700 से ज्यादा मंदिर हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आए थे, उनकी इच्छा थी कि गोरखपुर में एक विशाल मंदिर बने, तो यहाँ पर गोरक्षनाथ मंदिर के पास 1.5 किलोमीटर दूर पर हमें 5 एकड़ का भूखंड मिल गया है। उसमें बहुत ही शीघ्र मंदिर का कार्य शुरू होने जा रहा है। अभी हमारा यहाँ पर तारा मंडल में ऑफिस कार्यालय शुरू हो चुका है, जिसमें भक्त लोग रहते हैं, सुबह शाम भगवत गीता भागवतम का प्रवचन होता है और इतवार के दिन संडे को विशेष प्रोग्राम होता है, उस सब में आप आमंत्रित हैं। लाभ की किछु हरि भक्त समाना, जय गावई श्रुति संत पुराणा, श्रुति संत पुराण, सभी का ये कहना है भगवान की भक्ति के सिवा अन्य कोई इस संसार में लाभ नहीं है। अतः हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, भगवान में तथा भगवान के नाम का जप करने से मनुष्य इस संसार सागर से पार हो जाता है और भगवत धाम आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। तो हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इस यात्रा निकाले किस संदर्भ में? ये हमारी जो वृंदावन में यहाँ पे आए हुए हैं लोग बात, इस गोरखपुर में हमारी संस्था खुल चुकी है, तो हम भगवान के नाम को यहाँ पर बांट रहे हैं। जो लोग भगवान के नाम को सुने तो उनका भी कल्याण हो, जो बताएं उनका भी कल्याण हो, इसी के लिए ये संकीर्तन यज्ञ चल रहा है, सड़क पर संकीर्तन हो रहा है।